नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, जिस लॉटरी के रिजल्ट का आपको इंतजार था, उसका रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होली बम्पर 2023 की। अभी रिजल्ट आया है, मैंने प्रॉपर पीडीएफ तैयार कर लिया है और अभी मैं आपको पीडीएफ दिखा दूंगा। ध्यान रहे कि आपके लॉटरी के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, वो आप उस पीडीएफ में दिए गए एक एक नंबर से अच्छे से मैच कर लें। और याद रहे कि एक बार मैच करने पर कई बार पता नहीं चलता, तो दोबारा मैच करें। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट करें, लेकिन ये नहीं कि आप बस एक बार देख के और लॉटरी फाड़ के फेंक दे। ध्यान से अच्छे से देखें, हो सकता है आपको भी इनाम निकला हो। जल्दी से आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, पीडीएफ दिखाता हूं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए, इनाम आपको जरूर निकलेगा। खैर, इससे भी आगे की कोई बात करनी हो तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैसेज कीजिए। पूरा प्रयास करूंगा आपके मैसेज का रिप्लाई देने का। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, नागालैंड स्टेट लॉटरी का रिजल्ट आ चुका है। पहला इनाम जिन्हें मिला है 2.5 करोड़ रुपए का, उनका लॉटरी टिकट नंबर है 532505, यानी 53205। दूसरा इनाम 10 लाख रुपए का है, उसके लिए आपको अपनी लॉटरी के पूरे 6 नंबर यहां पर दिए गए नंबरों से मैच करने हैं। तीसरा इनाम 5 लाख रुपए का है, उसके लिए भी आपको अपनी लॉटरी के पूरे 6 नंबर यहां पर दिए गए नंबरों से मैच करने हैं। चौथा इनाम 9000 रुपए पर पर्सन है, इसके लिए आपको अपनी लॉटरी टिकट के पीछे के केवल मात्र 4 अंक मैच करने हैं। पांचवा इनाम 5000 रुपए का है, उसके लिए आपको अपनी लॉटरी टिकट के पीछे के 4 अंक मैच करने हैं। छठा इनाम 2000 रुपए का है, उसके लिए भी आपको पीछे के 4 अंक जो हैं वो मैच करने हैं, जैसे 0054, 0095, इस तरह से आपको सारे के सारे नंबर जो हैं पूरे ध्यान से मैच करने हैं। इस वीडियो को रोककर अच्छे से देख लीजिए, एक एक नंबर को अच्छे से आप लोग मैच कर लीजिए। तो दोस्तों, अब है सबसे बड़ा सवाल कि इस इनाम को क्लेम कैसे करें जिन भाइयों को निकला है। तो हाउ टू क्लेम लॉटरी प्राइज के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी। इस वीडियो को जाकर देखें, आपको पूरी की पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। देखते रहिए।